वेलकम गाइस, स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के इस इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं। इसका टोटल एरिया है 40 फीट बाई 50 फीट और इसमें आपको 9 बेडरूम देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पास पोर्च लगा हुआ है जो एक सर्कल डिजाइन में है। इस प्रकार से ये बाउंड्री है, यहाँ तक बाउंड्री, यहाँ पास गेट है। यहाँ सामने आने पर आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगे और ये वरांदा है। वरांदा यहाँ पास आपको डोर, डबल डोर देखने को मिलेंगे। एक तो इधर है, एक डोर इधर है। ये डोर वन है और ये डोर टू है। ये दोनों सिंगल डोर है। इधर आने पर आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम है। लंबाई और चौड़ाई ये 10 बाई 10 फीट का है। इसका लंबाई चौड़ाई, यहाँ पास आपको सोफा रखने का एरिया मिलेगा। फिर इधर सामने आने पास ये बेडरूम है। ये पहला बेडरूम है, बेडरूम वन। ये इसका लंबाई और बड़ी चौड़ाई 10 फीट बाई 10 फीट है। इसी में आपका एक टॉयलेट नज़र आएगा जिसका डोर यहाँ से है, ऐसे करके। ये 8 बाई 5 फीट इसका लंबाई और चौड़ाई। ये वीसी है, वीसी टॉयलेट। इसका डोर यहाँ पास आपको डालना है ऐसे करके। और फिर इधर आने पर एक और बेडरूम, दूसरा बेडरूम देखने को मिलेंगे आपको। बेडरूम इसका लेंथ है 10 फीट बाई 10 फीट। इसका भी डोर यहाँ पास है ऐसे करके, यहाँ पास। और इसका फिर यहाँ पास आपको एक एरिया मिलेंगे जो सीधा हाल के तरफ जाता है। ये हाल है। और फिर इधर भी मिलेंगे आपको एक डिनिंग रूम। ये डिनिंग रूम है जिसका लेंथ 10 फीट बाई 10 फीट है। इसका लंबाई और चौड़ाई 10 फीट बाई 10 है। और इधर एक तीसरा बेडरूम आपको देखने को मिलेंगे। ये तीसरा बेडरूम है, इसका लंबाई गुड़ी चौड़ाई 10 फीट बाई 10 फीट है। इसमें आपको यहाँ पास डोर लगा हुआ है ऐसे करके, ऐसे डोर यहाँ से लगेगा और इसका डोर यहाँ से है ऐसे करके, यहाँ पास। ये वीसी टॉयलेट है जो 8 फीट बाई 5 फीट है। और इधर किचन है यहाँ पास। ये किचन है जो 10 फीट बाई 10 फीट, इसका लंबाई और चौड़ाई है। ये सीधा यहाँ पास इसका डोर है। ये आर्च टाइप है या ऐसी बोल सकते हो। ये सीधा डिनिंग रूम में है, यहाँ से आपको डाइनिंग टेबल रखने का एरिया मिलेगा यहाँ पास। फिर इधर हॉल में एक और रूम अटैच है। ये चौथा बेडरूम है, बेडरूम। इस ये भी 10 फीट बाई 10 फीट का है। इसमें भी एक वीसी टॉयलेट अटैच है। इसका डोर यहाँ से ऐसे करके ऐसे है, यहाँ से डोर। इसका डोर यहाँ से ऐसे करके ऐसे है। ये 5 फीट बाई 5 फीट का है ये टॉयलेट। ये हॉल है, ये हॉल में आ गए अब। ये हॉल का लंबाई और चौड़ाई होगा 20 फीट बाई 20 फीट। यहाँ पास एक बीच में बड़ा साइज का पिलर डालना है आपको। यहाँ पास एक कॉलम खड़ा करना है जो सीधा छत में रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके एक बीम रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीम रहेगा, 3 बीम इसमें डलेगा छत जब डालते समय। यहाँ पास स्टेयर है, इधर से आपको ऊपर जाने डायरेक्शन ऐसे करके, ऐसे करके। इसका डायरेक्शन है ऊपर जाने का, ये है उसका डायरेक्शन। ये है स्टेयर्स, यहाँ से ऐसे करके ऊपर चढ़ना है। ये इसका लेंथ होगा 8 फीट और ये वाला लेंथ होगा इसका
8 फीट, ये भी 8 फीट, और हर स्टेप 3-3 फीट का, इस तरफ भी 3 फीट का है ये स्टेयर। सीढ़ियाँ हैं यहाँ से यहाँ कर, ऐसे करके चढ़ना है ये ऊपर जाने डायरेक्शन। यहाँ बस आपको पैसेज देखने को मिलेगा, एरिया एक पैसेज, खुला पैसेज है, और फिर इसी पैसेज में आपको फिफ्थ बेडरूम देखने को मिलेंगे, पांचवा बेडरूम जो 10 फीट बाई 10 फीट का है। इसमें भी एक वीसी टॉयलेट अटैच है जो 5 फीट बाई 5 फीट का है। और फिर इसके जस्ट बगल में आपको सिक्स रूम देखने को मिलेंगे, ये तीसरा बेडरूम है, सिक्स बेडरूम है, छठवा बेडरूम है, ये 10 फीट बाई 10 फीट का ये भी है। इसमें भी एक वीसी टॉयलेट अटैच है, इसमें भी एक वीसी टॉयलेट अटैच है जो 5 फीट बाई 5 फीट का। इसका डोर यहाँ पास लगा हुआ है, और ये वीसी टॉयलेट का यहाँ पास, इस वीसी टॉयलेट का यहाँ पास है, ऐसे करके, और इसका भी डोर यहाँ पास है, इस साइड में इधर से ऐसे खुलना है। फिर आपको इधर एक और सातवां बेडरूम देखने को मिलेंगे आपको, ये रूम है एक जो 10 फीट बाई 10 फीट है, इसमें भी एक वीसी टॉयलेट अटैच है जो 5 फीट बाई 5 फीट का है, इसका डोर यहाँ पास है ऐसे करके, और यहाँ पास भी आपको एक पैसेज एरिया देखने को मिलेंगे, यहाँ पास भी एक पैसेज एरिया है। और फिर आपको आठवां बेडरूम इधर देखने को मिलेंगे, ये भी एक बेडरूम है जो 8वें नंबर का है, जो 10 फीट बाई 10 फीट का ये भी है, इसमें भी एक वीसी टॉयलेट अटैच है जो 5 फीट बाई 5 फीट का है। और ये लास्ट बेडरूम 9th बेडरूम है, ये 9th बेडरूम है, ये 8th बेडरूम है, 9th बेडरूम ये भी 10 फीट बाई 10 फीट का है, इसमें भी एक वीसी टॉयलेट अटैच है जो 5 फीट बाई 5 फीट का है, एक छोटा सा ये बाथ है, इसमें बाथ दिया हुआ है, और यहाँ पास भी एक बात है, ये भी 5 फीट बाई 5 का है, ये भी 5 फीट बाई 5 का है। और यहाँ पास आपको छज्जा देखने को मिलेंगे जो कि सर्कल डिजाइन में है, यहाँ पास छज्जा, और इस वाले बेडरूम में भी सामने तरफ एक छज्जा दिया हुआ है। ये विंडो है इस वाले बेडरूम का, विंडो वन, ये विंडो है इस वाले बेडरूम के, दो दो विंडो है, ये भी विंडो है इधर, और ये भी विंडो है इधर, दोनों इधर भी एक विंडो है यहाँ पास, और इस वीसी टॉयलेट में भी विंडो है, इस बेडरूम में एक विंडो, इस बेडरूम में भी एक विंडो है, और ये टॉयलेट में भी एक विंडो है, और ये बेडरूम में भी विंडो है। इस रूम के बाहरी तरफ एक विंडो दिया हुआ है, ये सब विंडो है। इस वाले बेडरूम में भी एक विंडो है जो कि फुल वेंटिलेशन साइज का है, जिसमें हवा आदान प्रदान हो सके, ये भी एक विंडो है जो कि बात का है। ये किचन का विंडो है, और ये सामने तरफ यहाँ पास स्टेयर है, बताया था पहले स्टेयर कैसे, यहाँ पास भी एक और बरामदा है। फिर इधर आपको कार पार्किंग करने का एरिया मिलेगा, और इस तरफ भी कार पार्किंग एरिया करने का एरिया मिलेगा। तो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये नक्शा कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। थैंक यू।